लवल्स सो जी फाइनली मेरे शूज आ चुके हैं और यार उधर बाहर पे चलते हैं। हाय डब जुगी डब बढ़िया सोल देखियो सॉफ्ट है अंदर हैं बढ़िया दूजे देखियो रख लूंगी ओ यार ये बहुत बढ़िया बेटी ओ सेम थोड़ी है अलग अलग है सिर्फ कलर अड्ड है नहीं नहीं चेक करो स्टाइल तो जमीन सेम है नहीं सेम नहीं है स्टाइल बहुत डिफरेंट पर कलर डिफरेंट है ना दिखायो बढ़िया ने ना सो जी मस्त कलर है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है यार इसकी सोल। मैंने पहले भी रेड टेप के शूज़ वगैरह यूज़ किए हैं इसलिए मैंने रेड टेप के ही मांगे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं वॉक करते हुए, नो शू बाइटिंग, कोई एडी में पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अब करूँगी वर्कआउट अगर मुझे मिलेगा टाइम। मनीनू गाइस वी आर डूइंग सम देसी जुगाड़ क्योंकि कबूतरों ने बहुत तंग किया हो यार हमको, इरिटेट कर रहे हैं। एसी के ऊपर थोड़ी सी जगह है जहाँ पर कबूतर आके बैठ जाते हैं और सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग लाइक 5-6 बजे ऐसी आवाजें करते हैं ना तो फिर पूरी नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं वो कबूतर अंदर ना होते एसी के अंदर अपना जाड़ा जो भी बना देते हैं बहुत औखा हो जाता फिर। तो हम लोग ये कर रहे हैं और ये जो है औजार ये हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है, लास्ट टाइम भी किया था पर कबूतर इस पे भारी पड़ गए थे हाँ कबूतरों ने उठा के नीचे फेंक दिया तो दोबारा ऑर्डर किया है। और अभी मैंने यही बोला कि इतनी मजबूती क्या बोल रहे हो आप वॉच तो इस बार यही है कि इतनी मजबूती से लगाएं कि दोबारा फेंक ही ना पाए। तभी मैंने बोला डबल टेप नीचे लगा दो तो हिला ही नहीं पाएंगे यार, डबल टेप लगाओगे ना तो हिला ही नहीं पाएंगे। नहीं डबल टेप लगेगी नहीं, जंग जंग लगाओ तो ना इसी के ऊपर तो जाएगी साफ कौन कर लेगा। बीटीए रानी डिड मार्वेलस जॉब मैन ही नो नो पुलिस वो वहां से ना खोलने की कोशिश करती है, हमने वो जो ड्रॉअर को लॉक कर दिया है क्योंकि ये ड्रॉअर खोल लेती है अब तो हमने इस तरह से मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था तो ड्रॉअर को अभी हमने अच्छे से लॉक कर दिया तो अभी भी वो उसको दबा दबा के ना खोलने की कोशिश करते कि खुल जाए पर इसका जो मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं होता। या अभी जाओ नीचे बेबीज आ गए हैं बहुत सारे घूमी घूमी करके आओ उनके साथ ले जियो देखियो खोलने की कोशिश नो मनहीत नो खुलेगा नहीं बेटा वो आपसे। दोस्तों रात के बजे हुए हैं 11:30 ठीक है और इसको छिड़ी हुई है मस्ती नो मनीष चोट लगी नो चोट लग जाएगी ये देखो क्या कर रही है लड़की जानबूझ के ये ना इसके अंदर गैप में गिरेगी देखना कि मम्मी मेरे को उठाएगी गिर जाएगी नो नो चोट लग जाएगी चोट लगेगी तेरे को ये चोट लग जाएगी मैंने निकाली ओए गंदा बच्चा अबे ये देख लो इस मैडम की हरकतें, ये जानबूझ के ना इस जगह पे फंसती है और फिर हमको दिखाती है कि मैं फंस गई हूँ मुझे निकालो, अब खुद निकलेगी
अब निकला नहीं जाएगा इससे। अब देखना, निकलो निकलो निकलो, गुड गुड गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम खुद ही फंसे थे ना। तो ये है प्लान पंजाब आने का? अजय नहीं, पर जाना है। तो शायद थोड़ा फिल्म वास्ते जाऊंगा उधर। सो गाइस, अभी जस्ट वॉक करके आई हूँ और मेरे शरीर को सुधारने की कोशिश चल रही है। और आज था मेरा डे नंबर 2 वॉक का। और आज मैंने ऑलमोस्ट 8,000 स्टेप्स पूरे किए हैं। मतलब 300 कम थे, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 स्टेप्स आज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं 1.5 घंटा आज वॉक की हूँ, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो 2 दिन तो हो गया, और ऐसे ही अगर चलता रहे ना तो मैं बहुत जल्दी वेट लॉस कर लूँगी। The next day, hi Manheer. जी सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? सो गुड नाइट, गुड नाइट हो चुकी है इसलिए गुड नाइट। सो 9:15 हो चुके हैं, मनहीर ने डिनर कर लिया है और अभी आप देख रहे हो कि रेडी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के टेंपल मलाड में। इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ जा रहे हैं मत्था टेकने। और आज से नवरात्रे शुरू है, तो आप सबको नवरात्रे की शुभकामनाएं, आप सबके नवरात्रे अच्छे जाएं। और जी आके घर पे फिर मुझे करनी है स्टार्ट पैकिंग। अभी जा रहे हैं अगेन ऑन शूट पंजाब में, तो फिर मुझे था कि सामान जो थोड़ा बहुत मनहीर का है वो मैं अभी के हाथ भेज दूँ, क्योंकि 3-4 दिन के लिए ही जा रहे हैं और उसके बाद फिर हमारी ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी। हम लोग पंजाब नहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग गेस करो कहाँ जा रहे हैं हम लोग। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल से पेंडिंग पड़ा है, हम नहीं गए वहाँ पर। आप पहले गेस करो, अगर नहीं गेस कर पाए तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे अभय वापस आएगी, होप सो होपफुली कि अभय 3 दिन में आ जाएँ, क्योंकि आते ही निकलना है हमको। अगर उनका थोड़ा सा भी शूट 1-2 दिन आगे पीछे हुआ ना, तो सारी जो भी हमारी फ्लाइट्स बुक करवाई हुई हैं सारी फिर पंगा पड़ जाएगा यार फिर। तो बस यही है, अभी आके फिर पैकिंग वैकिंग करनी है, कल इवनिंग की फ़्लाइट है। सो मनीर के मोस्टली मैं कपड़े थोड़े बहुत भेज दूँगी, कुछ प्रोडक्ट्स भेज दूँगी। अभी पता नहीं हम लोग कितना रहेंगे पंजाब में, पर मुझे था कि मंगवा लूँ यहाँ पर, तो वो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स मैं भेज दूँगी अभी के हाथ में, ताकि फिर जब हम लोग जाएँ, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पंजाब तो जाने रहे, कहीं और जा रहे, तो सामान हमारा हल्का हो, ज़्यादा हैवी सामान ना हो, क्योंकि बच्चा भी हमारे साथ, मंदिर भी हमारे साथ। तो आप लोग गेस करना हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार। सबसे पहले हम पंजाब नहीं जा रहे हैं, यूजली यही होता है, पंजाब बॉम्बे पंजाब बॉम्बे, बट अभी पंजाब बॉम्बे नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं। बस यही है अपडेट फ़िलहाल। तो रेडी हो चुके हैं, मनीर भी रेडी है, अभी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, जैसे आएंगे तो निकलते हैं, क्योंकि आज तो ओवरनाइट रहेगा, 11:30 बजे तक तो ओपन ही है मंदिर, क्योंकि नवरात्रे भी हैं और वैसे भी थोड़ा संगत रहेगी वहाँ पर। तो बस निकलते हैं, लेट्स गो मनीरू, आपके बाल तो फुल कर्ली बाल हैं। सो जी अभी निकले हैं, और 3 दिन से मेरी बहुत अच्छी वॉक हो रही थी, बट अब अभी भी जा रहे हैं शूट पे, तो मेरी वॉक भी नहीं हो पाएगी और आज भी नहीं हो पाएगी यार, अब लेट्स सी कब हो पाएगी। तो जी अब पहुंच चुके हैं मंदिर, श्री इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर, और मेरी भी चेयर आनी है, सीरियस हो गई जोजी।
मथा टिक चुका है। ये भी बोल रही है मथा अच्छे से टिक चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। या क्योंकि घर जाके करनी है पैकिंग। क्योंकि मैं जा रहा हूँ पंजाब। बताओ मतलब हमारी ट्रिप अभी शुरू होने वाली है हफ्ते के अंदर और इसके बीच में शूट आ गया है। बताओ बस ये टाइम से वापस आ जाना। हाँ, तो मैं अभी मतलब जो हमारी ट्रिप है मतलब जो हमने पहले अच्छा ना मैं बनने ने बोला गेस करो कितने जा रहे हैं इस बार पंजाब नहीं जा रहे हैं। तो बस मेरे को पंजाब जाके शूट करके आना यार और उसके बाद फिर 18 को वापिस आ गए हैं घर पे और मनहीर सो गई है तो फिर मैंने इसको नहीं उठाया। यूजुअली जब भी घर आती है तो उठ जाती है बट अभी वो सो रखी है तो पता नहीं अभी नैप ले रही है या सुबह उठेगी सो के, क्योंकि कल भी इसी टाइम पे सो गई थी। वो मॉर्निंग में उठी थी तो उसका पैटर्न थोड़ा सा ठीक हो रहा है, 11:30 बजे सो जाती है। और अभी हमारी पैकिंग जो है वो भी रहती है। अभी समस्या ये आ गई है कि मनहीर सो रही है, लाइट्स ऑफ है तो पैकिंग करे कैसे, तो देखते हैं। वैसे तो फ्लाइट जो है अभी की वो कल इवनिंग 4:30 की है तो शायद अभी फिर मॉर्निंग में ही कर लेंगे या मैं अब कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और जो सामान मुझे भेज रहा है मनहीर का वो फिर मैं फटाफट करके पैक रख दूंगी ताकि आधा सामान चला जाए या फिर टेंशन फ्री रहता है बंदा। नहीं तो आजकल तो मतलब 15 kg कुछ भी नहीं रह गया है, इतना सामान हो जाता ना बेबी का 15 kg तो ऐसे ही निकल जाएगा। बट हम लोग जिस फ्लाइट पे जा रहे हैं वो है एयर इंडिया तो 20 kg अलाउड है बट वही है ना, हम पंजाब नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं तो 20 kg अगर मैं लेके जाऊँगी 20 kg अभी लेके जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। सीधा पंजाब जाते तो अलग बात होती कि चलो ठीक है 20 kg अलाउड है, 40 kg आई थिंक इनफ है क्योंकि मुझे मेरे कपड़ों की टेंशन नहीं है। मेरे जो है वो आधे जो क्लोथ्स हैं वो ऑलरेडी पटियाला में हैं तो मुझे अपना तो लेके जाना नहीं है, मनहीर का होता है तो कल सुबह ही होगी फिर पैकिंग मुझे लगता नहीं कि अभी होगी।